में आतंकी हमले के एक दिन बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। नेकां अध्यक्ष ने कहा कि गुलमर्ग जैसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान दोस्ती का रास्ता नहीं खोज लेते और इससे जम्मू कश्मीर की परेशानियां खत्म नहीं हो जाती। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग के पास गुरुवार को आतंकवादियों द्वारा सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें कि 3 सैनिक और 2 सेना के क्वार्टर जो थे वो मारे गए। हमले में एक अन्य सैनिक और एक और साफ तौर पर जिस तरीके से संवाददाता से बात करते हुए फारूकुल्लाह ने साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता तब तक हालत जो है वो स्थिर नहीं हो सकते जम्मू कश्मीर में, और कोई रास्ता जो है निकालना चाहिए पाकिस्तान को बातचीत का, सुलह करके भारत के साथ। इन सब के बीच में फारूकुल्लाह ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद तरुण चुग ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए देखिए। जनाब 84 में से मैं ये देख रहा हूँ ये आतंकवाद बंद नहीं हो रहा है। फरूज पे था उस वक्त, हमारे कई साथी शहीद हो गए मगर ये बंद नहीं हुआ और ये हर साल चल रहा है, यानी कि बंद हुआ है। और जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम है, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। उस गलत फहमी में कश्मीर में 47 में फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं, मुसलमानों की सारी तबाही कर रहे हैं। उन्हें ये बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जबकि ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर ये वही चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब पानी उस घड़े में भर जाएगा वो और नहीं बर्दाश्त करेगा तो असर वही होगा। उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, उन्हें देखना चाहिए क्या हो रहा है शाम में, क्या हो रहा है ईरान पे आजकल, क्या हो रहा है फलस्तीन पे, क्या हो रहा है लेबनान में, और किस तरह बर्बादी हो रही है। क्या ये वही बर्बादी चाहते हैं? जो गरीबी है उसको और गरीब करना चाहते हैं? बंद करें, खुदा के वास्ते बंद करें इसको। किस तरह से ये तो जनाब जो ये चला रहे हैं उनको सोचना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए इसको? ये वो जानते हैं। अभी देखा जाए तो मैक्सिमम जो मीटिंग्स होती है एलजी के साथ या जिस पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है, पहले की तरह उसके सभी षड्यंत्र निष्फल होंगे। देश की सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। जिनके हाथों में हथियार हैं और भारत के नागरिकों पर हमले कर रहे हैं उन्हें या तो जेल में पहुंचाया जाएगा या कब्र में लटाया जाएगा। शांति बहाली हमारी सरकार की, भाजपा सरकार की वचनबद्धता है और हमने करके दिखाई। जम्मू कश्मीर में दशकों बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की जीत हुई है। साफ तौर पर जिस तरह से प्रतिक्रियां निकलकर सामने आ रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी एक प्रतिक्रिया दी है और सुर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, चर्चा का विषय है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है लगातार आतंकी हमले होना जम्मू कश्मीर के अंदर, सिर्फ महज ही कुछ ही दिन हुए हैं अभी सरकार बने हुए और लगातार आतंकी हमले, किस तरह से रोकथाम करनी पड़ेगी, कितनी बड़ी चुनौती जो है ये सुरक्षा बलों के लिए? देखिए आप तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए चुनौती की बात तो बहुत बड़ी है, ये 1947 से लेकर आज तक जो पाकिस्तान है वो बार बार ये इस चीज पे हरकत करता रहता है वो कि जम्मू कश्मीर के किसी तरीके से हालात खराब किए जाएं। देखिए हमारा शांतिपूर्वक 2 चुनाव जो हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े अच्छे से हुए और जिसमें लोगों ने भी बड़ी खुल के वोटिंग की, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो पाकिस्तान को ये ऐसा हो रहा है इस वक्त के वो लोग जो कल तक ये देखते थे कि पाकिस्तान का हम हिस्सा बनाएंगे जम्मू कश्मीर को, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती में समझता हूँ पूरे
भारत के लिए भी है और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में। देखिए एक चीज फारूक अब्दुल्ला जी ने आज बड़ी क्लियरली जो साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है पूरे भारतवर्ष को कि एक तरफ जम्मू कश्मीर के नाम पर जो कल तक पूरे भारत में वोट बटोरने की कोशिश की जाती थी, वो आज वही जम्मू कश्मीर खुल के अगर भारत के साथ जो चलने की पूरी पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इन चीजों से भी पाकिस्तान को बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही है। देखिए जो शहीद हो रहे हैं हम उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं इस तरीके से रैकिंग भी करते हैं, अटैक भी करते हैं, हमारी लोगों की जान भी चली जाती है और वो बड़ा सेफली स्मूथली यहाँ से निकल के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को भी इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना तो बहुत जरूरी है। मैं सुमित शर्मा जी की बात चलूंगा। सुमित शर्मा जी, साफ तौर पर आतंकी हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है केंद्रीय गवर्नमेंट को भी? देखिए मैं आपको ये बताना चाहूं कि जिस तरह की जो ये छुटपुट हरकतें पाकिस्तान जो हमेशा से करता आ रहा है, तो वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। उसके लिए हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और जितने भी हमारे यहाँ पे जैसे हमारी जेकेपी पुलिस है या जितने भी फोर्सेस है, वो सारे लगातार इनके ऊपर नजर रखे हुए, जहां भी कोई ऐसी हरकत होती है वहां पे आप देखिए एक या दो दिन में उनको उस चीज का जो है सबक मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमेशा से एक ही चीज आती जा रही है, जिसका हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी और कई चैनल में हमने एक बार बोल चुके हैं कि यहाँ पे स्थानीय लोगों को हमारा और सेना का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट करके कहीं छुप जाते हैं और जहां छुपे जाते हैं तो वो साफ स्पष्ट है कि कोई ना कोई जो है जो इनकी मदद करते हैं वहां पे। अब जो मदद करने वाला है वो तो सुधर जाए, या तो वो देश के आप किसी भी एंगल से लगता है कि वो देश के हित चाहता ही नहीं है, वो देश के लिए उसका योगदान ना के बराबर है, उसकी सोच पाकिस्तान से मिलती है क्योंकि उसके अंदर इंसानियत नहीं है, वो सुधर जाए। ऐसे लोगों को जो उनको शरण दे रहे हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उनके एक गलती से कई जानों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी कानून ने खड़े जो है एक्शन लेने के जो पूरे के पूरे फैसले दे दिए हैं कि कोई भी अगर पाया गया तो उसके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन बात आके वहीं पे रुकती है कि आतंकवाद का सफाया के लिए पूरा जम्मू कश्मीर पूरा देश खड़ा है, लेकिन अगर जो लोग इनकी सहायता कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर देश के साथ चलना है तो ठीक है, अदरवाइज जो हरकतें कर रहे हैं तो सजा के लिए भी तैयार है, उनकी गलती का खामियाजा जम्मू कश्मीर को मिल रहा है। और जो भी दोगला रोल यहाँ पे प्ले करेगा, डबल रोल की पॉलिसी कहीं यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए, ना डबल रोल की पॉलिसी सहन की जाएगी। थोड़ी भी अगर कहीं जगह पे लगी कि किसी ने डबल रोल वाला सीन यहाँ पे किया है तो जम्मू कश्मीर की जनता और सेंट्रल गवर्नमेंट और पूरा देश उसको बख्शने वाला नहीं है। उम्मीद यह रहेगी कि जम्मू कश्मीर की जनता को एक अच्छे और एक तरीके के साथ लेके चला हर 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 चला जाए और हर शख्स जम्मू कश्मीर को अपना समझ के एक साथ खड़ा रहे और पाकिस्तान बहुत जरूरी है। सुमित शर्मा जी, बहुत जरूरी है कि एक साथ खड़ा होना एक मंच पर।